हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाह नवाज़। आप देख रहे हैं, ये है मानू चैनल। आइए हम आपको जो है मानू के अंदर नए हॉस्टल का जो है सेरेमनी हुआ है। हॉस्टल थर्ड सेकंड के नाम से फेमस है। अभी हम आपको जो है हॉस्टल थर्ड दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए कितनी यानी को खूबसूरत हॉस्टल। ओके, किस प्रोग्राम में हो? सीएससी में। पहले कहाँ रहते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। किसी का रूम है? नहीं, बच्चों का ही है सर, हमारे बच्चों। ओके, सीएससी के बच्चे हैं सर, स्टूडेंट सब मिल हैं सर। किस प्रोग्राम में हो? सीएससी में। ओके, वेरी गुड। ये भी सीएससी में है? जी सर। ओके, वेरी गुड। आ जाओ बेटे। तो ये क्या चेयर्स नहीं है? चेयर्स का टेबल नहीं है, चेयर और टेबल दोनों। कितनी चेयर्स हो गई हैं? अरे तो प्लीज। नहीं नहीं, चेयर्स तो दे दो ना, जब चेयर जमीन पे बैठे हैं। ये सर मैट्रेस भी आया है। हाँ, ये तो मैट्रेस है। इतना चाह रहे अरे तो बॉक्स कम थे तो कम लगाए बनना है उसका सर। अभी सेकंड राउंड में हो रहा है, फर्स्ट राउंड में नहीं दे पाए। इकबाल साहब ठीक है सर। ये जो नए खरीदे हैं ये कॉट हैं सर, लकड़ी वाले। और अभी जो ठीक करवाए सर, पुराना स्टॉक, ये पुराना वाला है सर। पुराना भी माशाल्लाह बहुत मजबूत हो गया, मजबूत हो गया। तो एक रूम में तीन तीन है, चार चार है, चार चार है। यहाँ बेड नहीं लगा दी और एक लगेगा सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। जो चीज कम कम है यहाँ उसके लिए इंतजाम करो। चेयर तो पहले करा, चेयर तो फॉरन करा दो। चेयर तो फॉरन करा, नया अलॉटमेंट हुआ तुम्हें? ठीक है। अभी पहले कहाँ रहते थे? खाना वाना सब अच्छा है? ठीक है सर। पुराने अलॉटमेंट का एक मसला कहना था सर, फर्स्ट वाले रो में आज 8 महीने से ज्यादा से पानी आ रहा है। प्रॉक्टर सर से और पूरे लोगों से कह चुके हैं, वो लोग ऐसे मशीन होना है, मशीन होना है, और पानी नहीं आता है। एक नल में एक नल में भी पानी नहीं आता है। स्विमिंग में पानी नहीं आता है सर, दूसरे विंग में जाने नहीं। वो क्या दे दिया, कह दिया है? दे दिया वो मशीन सर, इस तरफ से पूरा एक सेट पूरा जाम हो गया सर। अच्छा, बहुत पसंद है आम। ये जो है ना, यहाँ पर कार जो पार्क होगी मुश्किल हो जाएगी सर। मेरा भी ख्याल है कि बच्चों की पार्किंग जो है वो करीब ही में रखी जाए, क्योंकि बच्चे चाहेंगे अगर पार्किंग वहाँ बनाइएगा तो सब सड़क पे लाके गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। ये अगर उनके रूम के सामने अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो वो सारी गाड़ियाँ यही रखेंगे। तो अभी बच्चों की गाड़ियाँ पूरे वहाँ लगवाए हैं सर, इसको लैंडस्लाइडिंग करके। कभी ये वहाँ पे सर जैसे वाटर कूलर्स को इंस्टॉल करवाना,
और वाईफाई ये सब इश्यूज हैं, तो बच्चे अब जो आ गए हैं वो लोग इन इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं सर, उसको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। और भी सर कुछ इश्यूज हैं अपने जो पुराना वाला दोस्त है उसमें पानी के कुछ मसाइल हैं जिसके ऊपर बच्चे को तो वजह दिलाते रहते हैं हमारी सर। इसके अलावा सर टेम्पोररी मिस के बारे में हम लोगों ने सर आपसे बात की थी सर, उसको भी जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाता है और सर डिनर भी सर शुरू करते थे उसमें सर, बहुत अच्छा है सर। अरे वो अलग से बात करना, अभी तुम मसूदी साहब के बारे में कुछ बोलो। और सर मसूदी सर आज रिटायर हो रहे हैं और सर की इतनी अच्छी बात रही है, हम लोगों को काफी सर ने कोऑपरेट किया है, मोटिवेट किया है। मैं सर के खिदमत का एतराफ करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर का कि सर ने इस यूनिवर्सिटी को हम सबों की रहनुमाई की। कार ये है कि ये मुझको व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं, कहते हैं सर ये काम हो सकता है, और मैं उसी जगह अप्रूवल भी दे देता हूं कि आगे कर डालो। अगर आप लोग जो यूनियन के हैं, आपका एक फरीजा और बनता है, आप चीजों को अपने यहां डिस्कस कीजिए। आपकी भी एग्जीक्यूटिव है, मैं आपसे बार बार कहता हूं एग्जीक्यूटिव में डिस्कस कीजिए। आप कोई बुलेटिन नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते बुलेटिन? आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टूडेंट्स के, आप स्टूडेंट्स को बताते नहीं है, कोई पर्चा नहीं निकालते, कोई बुलेटिन नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? ये क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्टूडेंट्स को बार बार लिख के दें? आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपसे वाइस चांसलर से क्या बात हुई, मिनट्स बनाइए, आउट कीजिए। क्यों नहीं आप यहाँ कह रहे हैं ये तो हमने कहा हुआ? अरे भाई आप जब स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये हमारा कहा हुआ हो गया पूरा, कल को बस आ जाएगी। मैंने आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? मैंने एम्बुलेंस के लिए आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? आप आइए, आपकी तरफ से एक बुलेटिन नहीं आया। ऐसी नहीं यूनियन चलती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अमाउंट देने को तैयार हूं, आपने एक लेटर मुझे नहीं लिखा आज तक। क्यों नहीं लिखा? अगर मैं यही किसी स्कूल में कहता कि मैं 50,000 रुपया दे रहा हूं आप रिपेयर कर लीजिए, तो फटाफट उसी दिन आ जाता लेटर। और ये देखिए इनसे वादा मैंने किया हुआ है, इनका कोई लेटर मेरे पास नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? ये क्या है, इसे कैसे चल रहा है? बी एक्टिव। अभी ये जायसी साहब क्लब का इनॉग्रेशन 6 तारीख को करने जा रहे हैं। क्यों साहब 6 तारीख को है इनॉग्रेशन, उसकी तैयारियां हो रही हैं, आप सपोर्ट नहीं दे रहे, पीछे से सपोर्ट करिए जी। नहीं अगर मिलजुल के गर्दन से गर्दन मिला के काम नहीं करिएगा तो यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी बताइए? हम नहीं कहते आप हमारी तारीफें कीजिए, लेकिन जो काम हो गया है उसकी इतला तो दीजिए स्टूडेंट्स को। जब वो भी हम वेबसाइट पर अपने डालें और बताएं लोगों को और अपने को एलिवेट करें, हमें नहीं अच्छा लग रहा है कि हम एलिवेट। नहीं आप अपडेट कीजिए उसकी, हमें भी तो कॉपी मिलनी चाहिए कि आपने अपडेट किया। नहीं ऑलवेज फॉरवर्ड ए कॉपी टू द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी नॉलेज में रहे कि आपने क्या इन्फॉर्म किया। तो यही मेरा कहना है, हर आदमी जब जिम्मेदारी समझेगा। आज देखिए इतना ज्यादा कोऑपरेशन एक दूसरे से है इस कैंपस में कि जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं तो देखिए ये रूम लाए हैं, ये बहुत अच्छी खूबसूरत रूम है, पूरा लाइटिंग वाइटिंग का जो है बंदोबस्त है। इसमें जो है 4 रैक दिया गया है, इसमें 4 स्टूडेंट रहेंगे। और ये देखिए किस तरह से डोर है जिसमें आप कोई भी सामान जो है स्टूडेंट जो अपना किताब हो पढ़ाई हो या कोई इंपॉर्टेंट सामान हो वो रख सकते हैं इसके अंदर। और इसका लॉक सिस्टम भी है, आप अपना ताला चाबी से जो है इसको लॉक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इसके बाहर में जो है ये खेलने वाला जो है आप ग्राउंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे जो है जब फ्री होते हैं नाइट वगैरह में तो टेनिस वगैरह खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और नाइट वॉकिंग भी करते हैं। और अदर पर्सपेक्टिव के से जो है अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। इतना साफ़ सुथरा देखिए बाथरूम है, ये नया बना है
और ये देखिए जो है इसको बेसिन कहा जाता है। शीशा देखिए ये जो है, ठीक है, ये देखिए कितना साफ सुथरा बाथरूम है, नए मॉडर्नाइजेशन की तरह इसको जो है तैयार किया गया है। जरा इधर लाइए कैमरा पर्सन, देखिए पंखा लगा हुआ है, ये देखिए नहाने वाला जगह है किस तरह से, कितना बेहतरीन खूबसूरत ढंग से बेहतरीन इंतजाम है। जैसे बाथरूम में बच्चे यानी कि भर गए और जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आसानी से वो कपड़ा वगैरह धो सकते हैं, इस तरह का सिस्टम है। ये देखिए टॉयलेट है, ये चाइनीज चाइनीज वाले टॉयलेट है ये, और इंडियन इंडियन टॉयलेट देखिए इधर, तीन इंडियन हाँ, ये जिसको जिसमें जो चॉइस है उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इंडियन अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? महेश। महेश आप इसमें वर्क करते क्या? CPWD CPWD में वर्क करते हैं। आज सेरेमनी हुआ तो आज जो सेरेमनी जो इसका जो किया गया है तो इसमें क्या सब बात रखी गई हॉस्टल को लेके, आप शामिल थे इसमें? नहीं, सब ठीक है, अच्छा बना है। अच्छा बना, ऐसा बोले सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा बना। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज है और हम थोड़ा सा वो वीडियो बना रहे हैं। ये आपके रूम है? जी मेरा रूम। क्या रूम नंबर कितना है? 103-103। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है ये हॉस्टल? हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, अभी जब से बना है तो हम लोगों को नहीं लगा था इस साल खुलेगी, लेकिन उम्मीद नहीं था कि हॉस्टल मिलेगी जी, लेकिन अब मिली है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा हॉस्टल मिला तो अच्छा लग रहा है। पहले आप कहाँ रह रहे थे? पहले टोली चौकी रहते थे। अच्छा, आने में तकलीफ वगैरह तो नहीं होता होगा ना? तकलीफ ही होती थी बस, यूनिवर्सिटी टोली चौकी से जो है एक घंटा लग जाता था, आने बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। कहता था स्टूडेंट की ना इंजॉय होता है, मजा आता है, दूर के बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है, लेकिन आप बोले तकलीफ होता है। बस में चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से अगर गिर गए तो कुछ भी हो सकता है। देखिए यही है स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम, यही था कि बस प्रॉब्लम था। और क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? बस प्रॉब्लम, वहां तक बस छोड़ती थी, उसके बाद वहां से यूनिवर्सिटी आने में पैदल आना पड़ता था। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रजा। अली रजा किस कोर्स से हैं? BEd। अच्छा, कौन सा आपको रूम मिला है? 104। आइए, तो क्या सब हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि मतलब वहाँ पे डस्टबिन ये नहीं रखा हुआ है। अच्छा, और क्या कहते हैं बाथरूम वाला भी साफ करने वाला प्रॉपर नहीं आते हैं, प्रॉपर नहीं आते, हफ्ता में एक दिन आ रहे हैं साफ सफाई वाले। अच्छा, वाईफाई का क्या? वाईफाई है ही नहीं यहाँ पे, वाईफाई है ही नहीं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ते हैं आप लोग? हम लोग रीडिंग रूम में बगल में जाके पढ़ते, पानी का भी सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, पानी पीने वाला भी नहीं है इस बिल्डिंग में। अच्छा, अभी नए नए तो हमको लग रहा है उद्घाटन हुआ है तो फिर वो सब हो जाएगी इंतजाम, है ना? देखिए ये बाथरूम है, बेसिन हुआ, ये बेसिन में भी सभी बेसिन में पानी नहीं आता, इसमें जैसे ये वाला रूम में पानी नहीं आ रहा, सब बेसिन में पानी नहीं आता, कुछ कुछ में आता है ना, इसमें फिर आएगा, फिर इसमें आता, उसमें नहीं आते थे। बाकी ये आपका ये, हाँ ये कपड़ा धोने वाला, ये कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने के लिए, और यहाँ पे वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए, नहाने के लिए वॉशरूम, नहाने के लिए फ्रेश वगैरह होना है। यहाँ बनाया चार गो है, चार है, हाँ चार है, नहाने के लिए चार है। हॉस्टल थर्ड जो है उससे छोटा तो नहीं है क्या ये? ये देखिए सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और जो आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड बोलते हैं, अगर हॉस्टल वगैरह में कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो है ये सब चीज होनी चाहिए, ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ना? अस्सलाम वालेकुम, बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, बैठ। क्या नाम हो आपका? फैजान कमर। साहब फैजान, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? पॉलिटेक्निक से। कैसा ये जो हॉस्टल जो है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, आराम मिल गया पहले से, पहले बाहर से आना जाना होता था तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब मिल गया तो बहुत आराम से, आराम है ना? और ये यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है? बहुत अच्छी फैसिलिटी, खाने का, रहने का, और सब कुछ सही। पहले कहाँ रह रहे थे? पहले टोली चौकी में। अच्छा, कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। ये देखिए ये इसकी छत है, छत में हम आप लोगों को ला रहे हैं, ये पानी टंकी वगैरह है, देखिए ये पानी टंकी है, देखिए ये सोलर प्लेट है, यहाँ से जो सनलाइट से सोलर एनर्जी तैयार किया जाता है और पानी रिफाइनिंग उसी से होता है। इंडिया में जो है एयर स्टेशन है ना, एयरपोर्ट है, यहाँ से जो आपको पूरा जो है ये हॉस्टल थर्ड पे जब आप इसके
छत पे आएंगे ना तो आपको जो पूरा बाहर का बैकग्राउंड नजारा नजर आएगा। ये छोटा मोटा यानी कि बिल्डिंग नहीं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये हॉस्टल खुलने से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर रह रहे थे उनको डायरेक्ट फायदा हो रही है, इससे डायरेक्ट बेनिफिट है। सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि हॉस्टल ना मिला, नहीं मिलने से मिल तो गया ना इसका, उसको जो है बहुत बड़ी, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल थर्ड ओपन, सेकेंड हॉस्टल थर्ड ओपन होने से जो बहुत राहत मिली है।